लास्ट चांस, स्क्रू द पार्टी, घर चलते हैं, लेट्स मेक लव, से इट लाइक दैट ना. செல்லா பாட்டி போனோமா எல்லா வீட்டுக்கு போய் கண்ணா பின்னானும் காதல் பண்ணணுமா ஜல்தி நிக்கலங்க ப்ராமிஸ் தட் ஒன் ரைட் யா फोन गाड़ी में रह गया What would I do without you? You been smoking again? No. विश को आप पूरा कर सके तो वो विश क्या होगी और क्यों जवाब भेजिए ईमेल करें जाओ ना यार ऐसे रात में ट्रैवल क्यों करने देते हैं? तुम्हें क्या लगता है? गन लेनी चाहिए। आप ठीक हो मैम? दीदी हमारी मदद कर दो प्लीज सॉरी वो मेरे हस्बैंड और मुझे मार देंगे
आपने किसी आदमी को देखा यहाँ पे ब्लू जैकेट पहना था? गाड़ी तेरी है? हाँ, यहाँ से गया अभी। आदमी ब्लू जैकेट पहना था, स्वेटर पहना था अंदर। मैं चलाऊं? पहले मुझे बताओ, आपने किसी आदमी को देखा? हाँ, कहाँ देखा? बताओ बताओ मुझे, किस तरफ गया? छुट्टी फिर जा जय मर्द लिखटो मर्द वीर का ना मिलता जोड़ा मेरा जोड़ा भी मिल जाता यश नहीं मिलता हेरे यश भी मिल जाता जीवन थोड़ा कह लक्ष्मी छोटे बेटे बाहर आ बेटा लाग जाएगी बाहर आ जा आई आई दे मेरा भाई नहीं है आजा आजा अरे खिला देना थोड़ा पागल है बाहर लग यार लाग जाएगी मैंने दिल्ली फोन किया था डीआईजी को दोस्त है मेरा आनंद सहाय चेक कर ले ढाबे पे जो हुआ सबने देखा कोई ना कोई तो बता देगा पुलिस आती होगी पहले यू बता फोन किधर दे रहा गाड़ी में गलती कर रहा है तू बोला ना हम कोई रिपोर्टर शिपोर्टर नहीं है हम रिपोर्टर नहीं है चौधरी हो पीछे क्यों आए हमारे शाम हो रहा था यहाँ पर हा? अच्छा देख भाई तूने मुझे मारा मुझे भी गुस्सा आया ना गलती दोनों ने की बात खत्म करते हैं हाँ
सॉरी भाई, भैया प्लीज भैया। अच्छा सुन, पैसे चाहिए? एक शब्द और काट है ना मुझे तो सारे ये समझा। भैया प्लीज, भैया प्लीज हमें जाने दो प्लीज, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, प्रॉमिस प्लीज हमें जाने दो। रहने दे, आज का दिन वैसे भी बहनों के लिए ठीक ना है, चुपचाली बैठी है समझी। दारू पीकर रोज मेरा मर्द तुझे मार रहा है, आ जा मैं हमें यहाँ परेशान करने के लिए। प्लीज हेल्प, प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरे हस्बैंड को बहुत चोट लगी है। क्यों हो गया? हम लोग हाईवे से आ रहे थे और रास्ते में कुछ लोगों ने हमें अटैक किया, मेरे हस्बैंड को चाकू मार दिया, बहुत खून बह गया, प्लीज मेरे साथ चलिए। मैं साहब को फोन करता हूँ। रिंगिंग होने लग रही है जी। हाँ जय हिंद जनाब। हाँ जनाब, जनाब एक मैडम आई है जी, इंग्लिश टाइप की है जी। हाँ बोल रहे, ऐसा कोई रोलर आपड़ा हुआ सर जी। अच्छा जी, तुम कहाँ से आने लग रहे हैं? दिल्ली। हाँ जी दिल्ली से। नहीं जनाब, आने तो दिल्ली से लग रहे हैं लेकिन कहाँ नहीं गई हुआ है, हाईवे पे। अच्छा जी, हाईवे के उरली तरफ हुआ या परली तरफ हुआ? हेलो सर, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, मैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली से आ रहे थे, रास्ते में हाईवे पे कुछ लोगों ने हम पे अटैक किया, मेरे हस्बैंड को चाकू मार दिया और वो बहुत, नहीं सर मुझे नहीं पता कौन लोग थे, कोई ऑनर किलिंग का केस है शायद, हमारे सामने एक लड़का लड़की को ढाबे से उठा के लेके। फोन क्यों काटा आपने? तुम बसंतपुर थाने जाओ। हाँ, क्यों? ये केस उस थाने का है सर। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरे हस्बैंड को बहुत चोट लगी है सो प्लीज। अरे बोल लेना, जाओ यहाँ से। अच्छा आप मेरी घड़ी रख लो, बहुत एक्सपेंसिव है, कम से कम 2 लाख रुपए। ओ बात को समझो मैडम, जाओ यहाँ से। सो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपकी ड्यूटी हमारी हेल्प करनी, सो प्लीज। अरे ना करनी हेल्प, निकलो यहाँ से। जाओ यहाँ से, जाओ। अरे मैडम जी निकलो यहां से। हाँ मैडम मेरे साथ ही हैं, हम अभी निकले हैं अंधेरिया वाली गली से। दुलीचंद, दुलीचंद तू मने ना सुना, तू बस अपने लेके रेल पटरी पे आ जा, जंगल वाली साइड। हाँ ठीक। दुलीचंद आदमी माड़ा नहीं है, आप इसकी कंप्लेंट मत करना प्लीज। पुलिस वाला है, कुछ तो मदद करनी चाहिए थी। मैडम पुलिस हवा में तो रहती नहीं, गांव में ही रहती है, बिरादरी में, उसका हुक्का पानी बंद हो जाता है। 3-3 लड़के हैं उसके ब्याहने लायक, कौन देता उसे अपनी बेटी, वैसे ही लड़कियां नहीं है यहां। अच्छा चलो आप अपनी कास्ट बताओ जी। कास्ट? सिंह पूरी बोल, शादी के बाद। इंटरकास्ट मैरिज। सिंह पूरी तो सर नेम हुए ना मैडम, कास्ट जैसे ब्राह्मण बनिया जाट गुजर कुर्मी लोहार। नहीं मालूम। गोत्र तो फिर यही पता होगा आपने, यही फर्क है मैडम। गांव में आप 12 साल के किसी छोरे ने रोक के पूछो, जात गोत्र पत्री तुरंत बताओगे, और अपनी तो अपनी, पड़ोसी की अलग।
मनु तो पढ़िया ही होगा आपने, बहुत बड़े ज्ञानी थे, जैसे अंबेडकर साहब जिन्होंने भारत का कानून बनाया। अब अंबेडकर साहब ने बोला कि भाई सब गाड़ी लेफ्ट साइड पे चलेगी, तो चलती है ना। अब कोई राइट साइड पे चलेगी तो एक्सीडेंट तो होगा ही। अभी अपने मुकेश पिंकी का ही केस ले लो, इन्होंने अपने ही गोत्र में ब्याना है, गलत है ना मैडम ना। आपने सुन के शौक जरूर लग रहा होगा, पर ये गुड़गांव में जहाँ आखिरी मॉल खत्म होते हैं ना, वहीं आपकी ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाता है। बिजली पानी नहीं पहुंचती, कॉन्स्टिट्यूशन क्या पहुंचेगा। शुक्र मनाओ मैडम कास्ट सिस्टम का, जो ये बिखरे पड़े हैं सारे, नहीं तो बसड़ मच जाए यहां। आगे से हम शायद गलत रास्ते आ गए। वो रात में सब एक जैसा ही लगता है, शायद मैंने आपको गलत रास्ता बता दिया। मैडम हमारे से गलती हो गई ना, आपने हमें मुकेश पिंकी का नाम कब बताया। विवेचन बेचारा ठीक सलाह दे रहा था आपने। मेरे पीछे कुछ आदमी पड़े हुए, मेरे हस्बैंड को बहुत चोट लगी है, मैं रात भर यहाँ पे घूम रही हूँ। देखिए यहाँ नजदीक ही पुलिस थाना है, आप वहाँ जाइए ना। पुलिस मिली हुई है, पास ही में गांव है, वहाँ के सरपंच के पास जाइए। हाँ हाँ आप ले चलेंगे। मैडम हम बाहर वाले हैं ना। कौन है? अरे दरवाजा खोल। क्या हुआ? खोल खोल। क्या चाहिए भाई? खोल। कौन है? क्यों रहा बिहारी, अब घनी पूछताछ कर रहा है, हाँ? चल पानी पिला। माफ करना मालिक, वो क्या है ना कि रात को बुखार था, दवाई लेकर सोए थे, इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। कोई औरत तो नहीं आई यहाँ? नहीं तो कौन?